एक और नया दिन और एक और नई शुरुआत के साथ वापस आप सबके स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो यार आज मैं अपने यूनिवर्सिटी का टूर देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आप एलपीयू में हो तो इतनी ग्रीनीनेस तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे यार किसी का मतलब पौधे वगैरह पेड़ वेड़ रोज पानी डलता है, रोज इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सूखा रूखा नहीं है। और ये है यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल, यूनी हॉस्पिटल कहते हैं। और यहाँ पे आप कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े रात में आपके लिए एम्बुलेंस वगैरह सब अवेलेबल होती है। और फार्मस अगर पंजाब में होते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, हद से ज़्यादा गर्मी। और भाई इस साइड चल रहा है अभी काम, देख सकते हो अभी ये जो रोड थी ना उसको हटा के यहाँ पे टाइलें लगाई जा रही हैं। वैसे जब तक सेमेस्टर अभी खुलेगा तब तक तो ये बन चुका होगा। और ये है इंडस्ट्री जिनके साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का टाई अप है। तो यहाँ पे जो काम शुरू होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर वो एल क्यू खुद में ही सिटी है, यहाँ पे थोड़ा पीछे से बहुत जा रहा होगा उसको इग्नोर करना। यहाँ पर आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, देखो ये है मॉल। यहाँ पे आपको यूनी सेंटर बोलते हैं, ये है एलपीयू का मॉल, अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिखाता हूँ अभी फिलहाल बहुत सारी दुकानें बंद है, पर फिर भी देखो इस टाइप की शॉप्स, MI की, फोन वोन की, HP की। वहाँ पे है लवली स्वीट्स, वो देख सकते हो आप, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ये स्वीट्स है। और एलपीयू की शुरुआत भी स्वीट्स से हुई थी। तो यहाँ पे देखो अभी बहुत सारी दुकानें बंद है, अर्बन पिटारा, अभी MI, SBI का बैंक भी है। बढ़िया है यार, आपको अंदर लगभग सब चीज़ें जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है बाहर जाने के लिए। यहाँ से वैसे सिटी 10 किलोमीटर पड़ता है और ऐसे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अगर लैपटॉप वगैरह आपको लेना है, आपको कोई परेशानी आ जाए, तो यहाँ पे डेल का भी शॉप है, उसके बगल में HP का भी शॉप है, तो सबके शॉप लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे। वही सोचा था कुछ ले लूँ लवली स्वीट से, लेकिन वहाँ पे पंगा पड़े मेरे पास कैश था नहीं, वो UPI नहीं ले रहे उनके पास, सिर्फ या तो कैश या तो कार्ड। अफसोस। ये है यहाँ का ऑडिटोरियम, भाई साइज देख के आप अंदाजा कर सकते कितना बड़ा है। देख रहे हो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन जो भी होते हैं वो यहीं पे कंडक्ट किए जाते हैं। आशा वैसे मैंने अब तक नहीं दिया क्योंकि हमारा तो यार ऑनलाइन ही चल रहा था, कहीं नहीं है। तो अभी यहाँ पे वो सब जितने भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं यहाँ पे किए जाते हैं। चेहरे से ही देख सकते हो कितनी गर्मी है भाई, अभी यहाँ पे बारिश की सख्त से सख्त ज़रूरत है। मैं ना यहाँ पे ठंडी भी इतनी पड़ती है, बहुत भयानक ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी उतनी ही पड़ती है। ठंड में मज़ा आता है पंजाब में रहने में, लेकिन भाई गर्मी बहुत। यहाँ पे आपको हर कोने में गार्ड और बहुत ही अंदर कैंपस में स्पेशली बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। और ये है एडमिशन ब्लॉक, जब आप एडमिशन कराने आते हो तो यही है वो ब्लॉक जिसमें आपको जाके एडमिशन कराना पड़ता है। बज रहे हैं शाम के 6:30, तो इस तरह सबकी क्लासेस भी ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पे उतने लोग नहीं हैं, देख सकते हैं अभी खाली पड़ा है। और भाई ये है वो जगह जहाँ पे होस्टल यानी खाना खा के आने के बाद यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे भाई बैठे रहते हैं। इस साइड देखो, उस साइड भी चेयर लगी है, उधर भी मतलब बेंच, ऑब्वियसली नॉट चेयर।
यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं। और उस साइड है गर्ल्स हॉस्टल, वो जैसे वो है गर्ल्स हॉस्टल 6, और इसके पीछे है बॉयज़ हॉस्टल। ये जो इस साइड आप देख रहे हो ये है पूरे एकेडमी ब्लॉक्स इसके अंदर है, मतलब और भी उस साइड भी और भी है लेकिन कुछ कुछ इधर भी है, जैसे पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब इस साइड है, लाइब्रेरी, एक और ऑडिटोरियम जो इंडोर ऑडिटोरियम वो भी यहाँ पे है। अभी सब तो बंद हो गया तो दिखाना अभी नहीं दिखा पाऊँगा, कभी बाद में मौका मिले तो पक्का दिखाऊँगा। थिंक सिर्फ वहाँ से मेरे को स्टार्टिंग मतलब एंट्रेंस से वीडियो बनानी थी इसलिए भाई वहाँ तक चल के गया था, वापस से भाई हॉस्टल जाते हैं और हॉस्टल का रूम भी दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई अब पैर दुख गए भाई। लेकिन जो ब्लॉक मेरा है वो ये है, ये वाला है ब्लॉक 38, और ब्लॉक 38 में ही है टाइम है भाई LPU, एकदम टाइम का पक्का है। आप चाहे आप लेट होता है LPU लेट नहीं होगा, पूरा दरवाजा वरवाजा सब बंद, एकदम डिसिप्लिन, और अंदर कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है, अंदर सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और ये आ गए यहाँ से इस गेट से घुसने के बाद सारे हॉस्टल्स। पहली बात तो ये अपार्टमेंट है और हॉस्टल भी अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, चलो। ये है भाई इंडोर स्टेडियम, इसके अंदर सब कुछ है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, सब कुछ है। और ये है बॉयज़ हॉस्टल 1, और बॉयज़ हॉस्टल 8 तक यहाँ पर है, ये 1 है फिलहाल। भाई इस आईडी कार्ड के बिना तो आप हॉस्टल में घुस भी नहीं सकते और किसी को ला भी नहीं सकते। तो ये ऐसा है कुछ हॉस्टल का रूम, ये 3-सीटर रूम है और विद एसी, अगर आप कूलर चाहिए तो इससे ज़्यादा कूलर लग जाएगा, ये फिलहाल विद एसी रूम। और इधर पे है बाथरूम और ये ऐसा कुछ रूम है, और अंदर ही हॉस्टल के आपको स्टडी रूम भी मिल जाएगा, जैसे रात में अगर पढ़ना हो जैसे आपके रूम में बोल रहे हैं भाई बाहर जाके पढ़ ले, मेरे को सोना है, लाइट बंद करना है, ऐसा कुछ हो रहा है तो स्टडी रूम भी साथ के रूम में है। और आपको अंदर ही बार्बर शॉप, कैंटीन, इवन मेस भी हॉस्टल के नीचे मिल जाता है, तो ये चीज़ बहुत सही है। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।